7 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ गोडजिला, मतलब गोडजिला के 7 ऐसे वर्जन जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिनमें से नंबर 1 के सामने तो अपने मोस्ट वर्स वाला गोडजिला भी दूध पीता बच्चा है। तो अब ज्यादा आपका कीमती वक्त जाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद आपको माइनस गोडजिला। अब यार अगर आपने हाल ही में आई गोडजिला माइनस 1 मूवी देख ली है, अरे मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ, सालों ने इंडिया में रिलीज ही नहीं की, पर यार इस मूवी के टीजर एंड ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि ये गोडजिला अब तक जितने भी गोडजिला दिखे हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, अबे साले, पर नंबर 7 की पोजीशन रखता है। हाँ, इसके बाद जितने भी हजारों प्रकार के अंडमंड गोडजिला एग्जिस्ट करते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब इसकी बड़ी पूंछ और पीठ पर निकले स्पाइक्स इसे दिखने में और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। अब दिखने के अलावा ये फिजिकली भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि सिर्फ अपनी एक बाइट से एक पूरी की पूरी ट्रेन को लिफ्ट करके उसे बीच में से तोड़ सकता है, और इसके अलावा ये अपनी पूंछ से भी इतना जोरदार वार कर सकता है कि लिटरली बिल्डिंग्स बीच में से टूट सकती है। अब मैंने इसकी मूवी तो नहीं देखी है क्योंकि अभी हिंदी में आई भी तो नहीं है, पर यार जब इसके ट्रेलर को ध्यान से देखा तब यार एक बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज नोटिस की। मतलब यार जब ये गोडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ को रिलीज करने वाला होता है तब यार जैसे जैसे एनर्जी उसकी टेल से उसके रिलीजिंग पॉइंट तक पहुंचती है वैसे वैसे ही गोडजिला के टेल्स के स्पाइक्स और भी ज्यादा लंबे होने लगते हैं। शिन गोडजिला। अब यार ये गोडजिला हमें 2016 में आई मूवी शिन गोडजिला में दिखा था। अब ये बाकी सभी गोडजिला से अलग इसलिए है क्योंकि ये शुरू से ही कोई काइजू नहीं होता है, बल्कि शुरू में ये एक आम सा कीड़ा होता है जो कि जापान के द्वारा फेंके गए न्यूक्लियर वेस्ट को खा खा कर म्यूटेट हो जाता है। अब इस म्यूटेशन में 60 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है, और ये म्यूटेशन 4 स्टेज में होती है, जहां पहली बार ये एक विशालकाय कीड़े में बदल जाता है जो कि दिखने में किसी खाते पीते घर का सांप लग रहा था। अबे साले। एंड सेकंड स्टेज में इसके पैर और पूंछ निकल जाती है, एंड इसके अलावा ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहता है जब तक कि ये गोडजिला अपनी अल्टीमेट फॉर्म में नहीं आ जाता है। अब ये गोडजिला दिखने में कुछ कुछ बर्निंग गोडजिला जैसा है क्योंकि इसका भी कलर ब्लैक एंड रेड है। अब इसकी एटॉमिक ब्रेथ कुछ अलग सी ही है क्योंकि एक तो ये दिखने में पर्पल कलर की है, और ऊपर से जब ये उसे रिलीज करता है तब इसे खुद नहीं पता होता है कि वो कहां से निकल रही है, मतलब मुंह के अलावा भी एटॉमिक ब्रेथ उसके स्पाइक से बेकाबू होकर निकलती है जिनका कोई पता नहीं है कि वो कहां पर जाके गिरेगी, एंड ये चीज इसे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बना देती है। माइलेनियम गोडजिला। अब यार ये गोडजिला दिखने में काफी हद तक अपने मोस्ट वर्स के गोडजिला एक्स कॉम मूवी वाले गोडजिला जैसा है क्योंकि इसकी पूंछ पर जो स्पाइक्स है वो भी दिखने में पिंक कलर के हैं। ऐसा क्या है आखिर पिंक कलर में? नोट कमाए दुनिया ने तेरी यार ने भाईचारा नीले नीले। अब ये गोडजिला हमें 1999 में रिलीज हुई गोडजिला 2000 मूवी में दिखा था। अब जो चीज इसे बाकी सभी गोडजिला से अलग बनाती है वो ये कि भाई दो तरह की अलग अलग डिस्ट्रक्टिव ब्रेथ छोड़ सकता है, एटॉमिक ब्रेथ एंड स्पाइरल ब्रेथ, जो कि अपने सामने आने वाले लगभग हर ऑब्जेक्ट को चंद सेकंडों में नेस्तनाबूद कर सकती है। अब इसके अलावा ये अपने मैसिव साइज के कारण अप टू 13,000 टन्स वेट को लिफ्ट कर सकता है, एंड लिफ्ट क्या, उसे एक चप्पल की तरह फेंक कर मार भी सकता है। अब ये जापान की तोहो पिक्चर्स की ओर से दिखाए गए गोडजिला में से अब तक सबसे पावरफुल गोडजिला था, अंटिल फाइनल वॉर्स गोडजिला। फाइनल वॉर्स गोडजिला। अब यार इस मूवी को आप गोडजिला की अवेंजर्स लेवल मूवी बोल सकते हो क्योंकि यार इस मूवी में अपने गोडजिला को एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स का सामना करना पड़ा। मतलब सबसे पहले तो इस मूवी में गिडोरा अपने सबसे पावरफुल फॉर्म यानी काइजर गिडोरा के रूप में हमें दिखा, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके सामने अपने ये 2021 का गिडोरा तो ढोलकपुर का राजू था। पर इसके अलावा काइजर गिडोरा इंटेलिजेंट भी इतना ज्यादा था कि इसने अपने माइंड कंट्रोल की पावर से 3 काइजूस यानी रोडान एंगुरियस एंड किंग सीजर को गोडजिला के अगेंस्ट कर दिया था, पर अपने गोडजिला ने ना सिर्फ उन तीनों काइजूस को हराया बल्कि काइजर गिडोरा को भी हरा कर उसे उसकी औकात दिखा दी। अब इस मूवी का गोडजिला पावर के साथ साथ कमाल की इंटेलिजेंस भी रखता है क्योंकि मूवी में अपने दिमाग के ही कारण उसने अपने विलन को हराया, मतलब ये गोडजिला ऐसे मुंह उठाकर कोई भी डिसीजन नहीं लेता है और अगर कोई इसकी मदद करता है तो बिना उसके साथ लड़े ये उसे मदद करने देता है। द बर्निंग गोडजिला। अब यार इस गोडजिला को हमने 1995 में आई मूवी गोडजिला वर्सेस डिस्ट्रॉयर मूवी में देखा था। अब सबसे पहले तो इस मूवी का विलन ही इतना ज्यादा पावरफुल था कि मूवी के लास्ट में अपने गोडजिला को इसे हराने के लिए अपना सेक्रीफाइस देना पड़ा। मतलब यार जब डिस्ट्रॉयर अपने गोडजिला को ऑलमोस्ट हरा देता है और उसके सन को मार देता है तब अपने गोडजिला के अंदर का अल्लू अर्जुन बाहर आता है और गुस्से में आकर पहले तो वो डिस्ट्रॉयर का काम तमाम करता है और उसके बाद सारी एनर्जी अपने सन को दे देता है जिसके कारण
कारण गोडजिला जूनियर तो जिंदा हो जाता है लेकिन अपना मेन गोडजिला मर जाता है। अब यार इस गोडजिला को अपनी ये फॉर्म एक ज्वालामुखी के यूरेनियम पार्टिकल के टच में आने से मिली थी, जिससे उसकी बॉडी सुपर चार्ज हो गई थी और वो एक चलते फिरते न्यूक्लियर बॉम्ब में बदल जाता है, जो की पूरी अर्थ के लिए ही बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। अब यार 2021 में आई मूवी गोडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में जो हमें बर्निंग गोडजिला दिखाया गया था वो तो यार कुछ भी नहीं था। मतलब खिडोरा की एक आम सी फॉर्म के ही सामने उसे यूज कर लेना आई डोंट थिंक की एक अच्छा डिसीजन था। लेजेंडरी गोडजिला। अब यार इस गोडजिला को तो कोई नहीं जानता होगा, मतलब यार अगर दुनिया को इस गोडजिला नाम के मॉन्स्टर के बारे में पता चला तो वो इस मूवी से चला। आप नो डाउट कि ये गोडजिला अब तक के दिखे सभी गोडजिला से वे बिगर पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि पावरफुल तो ये है ही है, पर इसके अलावा स्मार्ट भी ये अपने टोनी भैया से कम नहीं है। मतलब बिल्कुल अपने टोनी स्टार की तरह ये भी अपनी गलतियों से सीखता है। मतलब जब गोडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में ये पहली बार किसी के हाथों ऑलमोस्ट मरने वाला था, तब इसे रियलाइज हुआ कि संसार में अपन से भी खतरनाक से दानव बैठे हैं। तो इसीलिए गोडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में सिमु एंड सकार किंग से भिड़ने से पहले ये अपने आप को सुपर चार्ज करता है, एंड इसके अलावा भी ये बाकी के गोडजिला की तरह सिर्फ अपनी एटॉमिक ब्रेथ से ही अपने दुश्मनों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि भाई के मूव्स भी किसी WWE के रेसलर से कम नहीं है। अब एक तरह से आप इसे अब तक के जितने भी गोडजिला दिखे हैं उनमें सबसे पावरफुल बोल सकते हो, या फिर नहीं। गोडजिला अर्थ। अब यार ये गोडजिला हमें पहली बार 2017 की गोडजिला प्लेनेट ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में दिखा था, एंड यार ये गोडजिला कितना ज्यादा पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि अपने मॉन्स्टर वर्स के गोडजिला की हाइट 343 फीट है, जो कि इसे गोडजिला के सबसे पावरफुल वर्जन में से एक बना देती है। पर यार इस गोडजिला अर्थ की हाइट तो 1043 फीट है, जिसके सामने यार लिटरली सभी गोडजिला किसी चूहे जैसे है। अब एक और बात जो कि इसे बाकी के गोडजिला से पावरफुल बनाती है वो ये कि ये कोई जीव जंतु नहीं है बल्कि एक प्लांट है, जो कि हमेशा की तरह इंसानों की ओर से फैलाए गए गंध के कारण एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। मतलब रेडिएशन के कारण यह म्यूटेट हो जाता है और सारी इंसानियत को पृथ्वी से खदेड़ देता है। मतलब जब इंसानों को पता चलता है कि इस गोडजिला को हराना नामुमकिन है, तब वो पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष में किसी दूसरे प्लेनेट की तलाश में चले जाते हैं। लेकिन जब कई सौ सालों बाद भी उन्हें कोई हैबिटेबल प्लेनेट नहीं मिलता है, तब वो वापस पृथ्वी पर आने का फैसला लेते हैं, लेकिन वहां पर आकर उनकी आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि अब यह मॉन्स्टर पूरी की पूरी अर्थ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा था। अब ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप इसके ऊपर आई मूवी को जरूर चेकआउट करना। बाकी यार बस इस वीडियो में इतना ही। अब हाँ यार, अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज यार इसे एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इन सभी गोडजिला में से कौन सा गोडजिला सबसे ज्यादा पसंद है। एंड हाँ यार, इसके अलावा अगर ये जानना चाहते हो कि अगर ओरिजिनल 6 अवेंजर्स वर्सेस गोडजिला एक्स कॉन्ग हो जाए तो आखिर कौन जीतेगा, तो यार इसका जवाब तुम्हें एंड स्क्रीन वाली वीडियो में मिल जाएगा। बाकी चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।